आपको एक कहानी सुनाते हैं, है थोड़ा सा समय आपके पास? अच्छा, जी, सुनाइए। फिर जी कहानी के बाद आप ही बताइएगा कि क्या जी सही है क्या गलत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, हेलो। हेलो कौन? जी, भैया हम लिविया पर से बोल रहे हैं, जिला से। सर, मैंने आपके पास एक वो लिंक भेजी है, वो ग्रुप में डाल दीजिए आप, और जिला वाला है। कैसा लिंक? अरे, ग्रुप का है, जो औरैया जिला के हों वो जुड़ जाएं। अच्छा, एक दिन फिर वहाँ ककोर मुख्यालय में जाना है, इसलिए किस काम के लिए? क्या यही बीएड वाला ने। चीज़? बीएड वाला? अच्छा, अरे, बीएड वाले के धरना के लिए जाएंगे यहाँ ककोर मुख्यालय। तो क्या होगा उससे? अरे, कुछ तो होगा, फिर आगे देखा जाएगा। वही तो पूछ रहे हैं, क्या होगा, क्या कराना चाह रहे हैं, किससे कराना चाह रहे हैं? डीएम को देंगे जाके विज्ञापन। पूरी बात आप एक बार में नहीं बोल पाते हैं। डीएम को देंगे, वो समझ गए, क्या जी देंगे, क्या लिखेंगे, क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? कौन अरे, यही अध्यादेश लाए बीएड के लिए, और क्या। लाता है अध्यादेश? हाँ, अध्यादेश कौन लाता है? डीएम? डीएम सर, डीएम तो नहीं लाता, मतलब वहां देंगे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, वो तो हमें भी पता है कि वो जो कुछ कर पाएंगे, क्या हम सरकार ही कर सकती है, और कोई तो कुछ नहीं कर सकता। जब आपको ये पता है कि सरकार जी, कर क्या सकती है तो आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? जब सरकार पे भरोसा है, लेकिन ऐसे चुपचाप बैठने से थोड़ा ना कुछ होगा। 2018 में बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ था तो कितनी बार जी, आपने डीएम को लेटर दिया था? तब हुआ था? वो तो बात आपकी सही है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे चुपचाप बैठने से तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात सही कर रहे हैं। आप ही के जो है ये धरना प्रदर्शन है, इसका इंतजार कर रहे हैं कि आप करेंगे तभी वो काम करेंगे, नहीं तो कोई काम वो करेंगे नहीं। जी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। क्या किए हैं आप बीएड? जी, बीएड किए कब किए हैं बीएड? दो मैंने 2019। हजार 2019 में बीएड किए हैं? अच्छा, जी, तो 2001 में बीएड प्राइमरी में लाया गया था, फिर जी 2018 में लाया गया था, जी 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 तो इन दोनों में कितनी बार आपने जो है ये दिया था डीएम को लेटर? अरे भैया, वो तो नहीं दिया था, वो तो हमें भी मालूम है कि वहां से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। इतने धरना प्रदर्शन 2018 से आप देख रहे होंगे कि जी नतजा भर्ती आई थी, उसके जी जी कैंडिडेट जो है इतना धरना जी जी प्रदर्शन किए, कोई एक धरना प्रदर्शन को बताइए जिससे कुछ बदल गया हो। वो तो नहीं बदला, लेकिन 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 हर बात में लेकिन जोड़ दे रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। फिर हर चीज में लेकिन। आपको एक कहानी सुनाते हैं, है थोड़ा सा समय आपके पास? जी, सुनाइए। अच्छा, फिर कहानी के बाद आप ही बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक गांव में दो भाई थे, दोनों ही एक दिन, गर्मी का समय था, दोपहर, मई जून का महीना, भयानक गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों भाई जो है एक पेड़ के नीचे घर के पास बैठे हुए थे, छांव में, काम से तो आए थे थक करके, वहीं पेड़ के नीचे बैठे। तो जैसे ही बैठे तो एक भाई ने देखा कि अरे भाई, हम तो पेड़ के नीचे छांव में बैठे हैं पर हमारा घर धूप में है। दूसरा भाई कहता है, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हमारा घर तो धूप में है, हम लोग तो छांव में बैठ गए। तो दोनों भाई तय करते हैं कि भाई हम भी अपने घर को छांव में करेंगे। दोनों तय करते हैं और दोनों भाई खड़े होते हैं और कहते हैं चलो अपने घर को छांव में करते हैं। दोनों घर को ढकेलना शुरू करते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, दोनों ढकेलते 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 शाम होती है और फिर भाई कहता है, भाई भाई देखो हमने जो है अपने घर को छांव में कर दिया। दूसरा भाई कहता है, हाँ भाई बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और दोनों जो है पसीना पोंछते हुए एक दूसरे का पीठ थपथपाते हुए कहते हैं चलो चल कर पानी पीते हैं। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, तो बताइए कितना मेहनत किया उन दोनों ने, बताइए। सर,
वो तो बहुत सही कह इस रहे, लेकिन कहानी ये बता की बात मैं। कीजिए, सिर्फ इस कहानी की बात कीजिए, बाकी छोड़ दे रहे हैं। इस कहानी में बताइए क्या किया उन दोनों ने, कितना मेहनत किया। उन्होंने मेहनत किया या ना किया उससे मतलब नहीं, लेकिन सर ये बताइए, चुपचाप बैठने से कुछ होगा? चुपचाप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चुपचाप नहीं बैठना जी, चाहिए। आप भी, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आप जी। वही कह रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। कोई हम जी, दोनों कोई भी भाइयों चीज की तरह हमेशा लगे जी, रहना चाहिए। बिल्कुल शाम बिल्कुल होगी, बिल्कुल शाम होगी और जी, शाम में होगा, बिल्कुल होगा, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वही तो चलिए, तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप घर को जी ढकेलना शुरू कीजिए। शाम हो जाएगा तो आपका जी घर छांव में हो जाएगा, फिर आप अपना जी पीठ थपथपा लीजिएगा। जी चलिए ठीक है, बाकी रही बात ग्रुप में शेयर करने की, तो हम ग्रुप में किसी का कोई चीज नहीं शेयर करते हैं। और कुछ कहना हो तो बताइए नहीं, और कुछ नहीं कर भाई साहब। बीएड किए हैं, पढ़े लिखे हैं, जी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। बहुत जी सारे नियम कानून बन रहे हैं, अभी हाल ही में पास हुए हैं। किसी ने धरना प्रदर्शन करके मांग नहीं किया, किसी ने राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति को लाने के लिए मांग नहीं किया, किसी ने जो है, जी आपने टेट पास किया होगा, वो टेट 5 साल रहता था, जी वो आजीवन कर दिए आजीवन के लिए हो गया, एक बार पास कर लीजिए, हमेशा काम देगा। उसको जी। करने के लिए किसी ने मांग नहीं किया था। बीएड जब प्राइमरी 2018 में वैलिड हुआ था हाँ, तो किसी ने मांग किसी नहीं ने किया था भी मांग नहीं किया था। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं और जी, वो अपने गवर्नमेंट, हिसाब से चलेंगे हाँ बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति बनाया, उसका पूरा नाम क्या है, जी राष्ट्रीय शिक्षा अच्छा नीट नीति। राष्ट्रीय मतलब पूरे जी भारत के लिए, जी जी शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, शिक्षा एजुकेशन क्षेत्र से ही जुड़ा है, और नीति जी मतलब वहाँ जो प्लानिंग उन्होंने किया है करने के लिए, जी वो आप उसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है, जी आपको जो करना है आप वो कीजिए, हम रोक नहीं रहे हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन जी एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जी 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, एक जी वर्षीय बीएड, जी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यही रहेंगे, और उसमें पूरा आप खोज लीजिएगा, न ही डीएलएड है, न ही बीटीसी है, न ही डीएड, इसका कोई जिक्र नहीं है। जी वही तो कह और रहे हैं, 2030 तक, 2020 वाले हैं इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें तो ये साफ साफ है कि 2030 तक बीटीसी खत्म करेंगे। 2030 तक बीटीसी खत्म करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, अखबार में न्यूज भी आया, हमने पेपर चेक भी शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। जी ठीक है, तो अन्य कोर्सेज बंद होने हैं, सिर्फ बीएड ही रहना है, और बीएड के पक्ष में 2001 में भी, 2001 से 2010 तक बीटीसी पर रोक लगी हुई थी, उस समय अटल जी की सरकार थी, तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, अभी उसी को आगे बढ़ाया गया है समग्र शिक्षा अभियान के रूप में। 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, अटल जी ने चलाया, तो उन्होंने जो है ये बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया, और 6 माह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स उसमें विशेष बीटीसी के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, तो 2001 से 2010 तक था, 2011 में टीटी पहली बार हुआ, तो जब ये 2010 में टीटी आ रहा था, तो 2009 में आरटी एक्ट में लिखा गया कि 2012 तक बीएड वालों को लिया जाएगा, उसके बाद का नहीं था। तो ये 2009 में ये जो आरटी एक्ट था कांग्रेस ने बनाया, और हम लगातार इस पर कई बार चर्चा करते हैं आरटी एक्ट पर कि क्यों आया, कैसे आया, तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, सब उनकी चाल थी, उन्होंने बीएड को बाहर किया 2012 में। यूपी के अंदर सपा की सरकार थी, वो विरोध किए, भर्ती नहीं कर किए, आपको पता होना चाहिए। तो बीएड का विरोध कांग्रेस करती रही, राज्य की सरकारें सपा हुए, और इस तरह की जो भी आम आदमी पार्टी वगैरह, इस तरह की जो भी सरकारें राज्यों में, उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण बीएड बाहर था। फिर 2018 में, 2014 में केंद्र में बीजेपी आई, फिर से उन्होंने जो है आरटी एक्ट का जो छूट वाला वो दायरा था उसको बढ़ाते हुए फिर 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। शामिल किया हाँ, तो 2001 में भी बीजेपी ने किया था, 2018 में फिर से बीजेपी ने किया, और इन्होंने करने के बाद 2020 में जब आरटी एक्ट लाए, तो इन्होंने ऐसा काम किया कि भैया जो जिस वजह से ये लोग बार बार बीएड को बाहर करते हैं, उस वजह को ही खत्म कर देते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड को ही रखा गया, बाकी कोर्सेज बंद करने की बात कर दी गई। तो जब सारे तो ये कोर्स बंद भैया होने हैं, जी, तो ये भैया होगा के लिए समझ लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, आगे का भी बता रहे हैं क्या होगा आगे। तो 2020 में केंद्र सरकार ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया, और केंद्र सरकार ने ही घोषणा किया कि
कि जो है 2030 तक ही अन्य कोर्स को लेंगे। जी जी उसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ गजट जारी किया जी और उन्होंने जो है जीव जारी करके जी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ डीलेड की पढ़ाई अब नहीं होगी। जी 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 तो ऐसे ही झारखंड सरकार ने किया, फिर इसके जी बाद जी महाराष्ट्र सरकार ने किया, जी तो बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ बीएड के अतिरिक्त अन्य कोर्सेज बंद कर दिए पूरी तरह बंद कर से, दिए। जी जी चाहे जी जिस नाम से थे, बीटीसी नाम से, जी जी डीएलएड नाम से या जी डीएड नाम से, जी जिस भी जी नाम से थे। अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि इग्नू ने जी भी डीएड बंद कर दिया, डीएलएड, जी 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 तो जितने भी संस्थान है वो बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसका जी कारण यही है कि सिर्फ बीएड चलना है। बीएड और जी अभी जी जो हुआ है उसको समझिए, जी बीएड को बाहर नहीं किया गया है, सिर्फ एक जी जो लेटर था, एक गजट था, जी एक राजपत्र था, उसमें एक जी छोटी सी त्रुटि थी कि मीटिंग नहीं किया जी गया था। जी उस त्रुटि के आधार पर कहा गया भैया कि हम इसको नहीं मानेंगे, जी जी तो वो एक लेटर रद्द किया गया है। जी बाकी एनसीटी के पास जो पावर थे अब भी वैसे ही हैं, जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थे वो वैसे ही हैं, वो जी एमएचआरडी के पास जो पावर थे वो सब कुछ वैसे ही हैं। जी तो अब इसमें जो कुछ होना है वो होने जा जी रहा है। हमारी जानकारी में जो है, अभी कल तक जी हमने जो भी दिल्ली से संपर्क करके जो जानकारी हासिल किया, बस इंतजार हो रहा था, ये 15 अगस्त का, आज 15 अगस्त का दिन है, जी तो आज के दिन तक हर विभाग में हर जगह ये कार्यक्रम बनाया जाना है, जी सब लोग उसमें व्यस्त थे। अब आज का कार्यक्रम बीत जाएगा, हो जी सकता है आज शाम तक या कल तक या परसों तक, यानी कि 2-4 दिन के अंदर जी इससे संबंधित जो है जानकारी निकल करके बाहर आए, कोई स्टेटमेंट किसी बड़े मंत्री अधिकारी या पीएम साहब का जी खुद ही आएगा। ठीक है, और ये अभी हाल ही में घटना हुई है, कोई भी चीज होता है होने के बाद अचानक से उतावलापन नहीं दिखाया जाता है। गवर्नमेंट का जो काम है वो अपना काम जो है नियम कानून के दायरे में करती है, और थोड़ा समय लगता है, 15 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है। हाँ वो तो लगेगा, टाइम तो लगेगा थोड़ा। क्या अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, जब ये मैं आपको एक चीज और बता दें कि जी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा था जी और फिर जजमेंट सुरक्षित हुआ, तो जी जजमेंट सुरक्षित होने के बाद कई महीनों के बाद आया है, जी तो इसको आपको जानना चाहिए कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे थे, अच्छा इस महीने आएगा, इस महीने नहीं, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, क्यों ये क्यों टल रहा था। आपको बता दें कि जजमेंट सुरक्षित हुआ, जी केंद्र सरकार को तो जानते हैं हर चीज जानकारी तो हो ही जाती है वो क्या तो हो ही जज। जाती है उनका। हाँ, तो अब आपको एक चीज और बता दें, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, उनको जानकारी हो गई थी कि जजमेंट क्या आने वाला है, जी तो उन्होंने 2-3 काम किए। जी पहला, उन्होंने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को बुला करके जी एक मीटिंग किया और हर राज्य जी का रिपोर्ट मांगा। जी पहले अपने यहाँ से एक जो है निर्देश जी जारी किया कि सभी राज्य सारे पद भरे, हमने पेपर कटिंग डाला था। जी उसके बाद सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को बुलाया गया जी और पूरी रिपोर्ट ली गई कि करंट कंडीशन क्या है। जी तो सभी राज्यों के शिक्षा सचिव आए, यूनियन टेरिटरी के शिक्षा सचिव आए, 17-18 जून को हुआ था ये मीटिंग, आप गूगल कर लीजिएगा मिल जाएगा, जी जी 17 और 18 जून को हुआ था मीटिंग, जून में। जी तो जो प्रक्रिया है वो आगे जी बढ़ाने का काम तभी से शुरू हो चुका है। अच्छा मीटिंग हुई थी पुणे में, जी फिर उस मीटिंग के आधार पर 3 अगस्त को मीटिंग दिल्ली में भी हुई। जी तो इधर ये मीटिंग करके इस पर जी काम शुरू भी कर चुके थे, दूसरी जी तरफ कोर्ट ऑर्डर को थोड़ा सा रुकवा रहे थे, डिले करा रहे थे। ठीक है, अब कोर्ट जी ऑर्डर रिलीज हो चुका है, आ गया है। जी केंद्र जी सरकार अपने काम में पिछले महीने 2 महीने से लगी हुई है, उनको पहले से पता था कि इसमें क्या होने जा रहा, जी कांग्रेस जो है इसको क्या करवाई है। हमने लिखा भी पूरा विस्तार से जी पोस्ट कि ये जी किसकी कराने की वजह से हुआ है। जी तो कुल मिलाकर के ये चीज होने जा रहा है, और आप चाहे 100 लोग चाहे 500 लोग जो भी उससे करना है कुछ फर्क नहीं, परिवर्तन, आप कुछ करना चाहे नहीं। कीजिए, ट्विटर अभियान चलाना चाहे चलाइए, और जो कुछ भी करना चाहे, जिसको लेटर देना चाहे, लेकिन करना फाइनली गवर्नमेंट को है। और जी वो तो
अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने घर आपने अपने घर सुनिए, आपने अपने घर में कहा माता जी से, श्रीमती जी से, बहन जी से, जिससे भी घर में जो भी सदस्य हैं, आपने उनसे कहा कि हम मार्केट जा रहे हैं और ये जो सामान का लिस्ट दिया गया ये सामान लाने जा रहे हैं। जी, अब आपके पिताजी आए थप्पड़ मार के कहें कि तुम सामान क्यों नहीं ला रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। आप जो काम करने ही जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि और कुछ लाना हो तो बताओ, और उसी काम के लिए पिताजी थप्पड़ मार रहे हैं कि तुम कर नहीं रहे हो, तो खराब तो लगेगा ना कि हम तो कर रहे हैं भाई, तो बात क्यों हमको बोल रहे हैं। तो ऑलरेडी जो काम केंद्र सरकार कर रही है, कर रही है राजनीति में सब कुछ किया है, आगे भी कर रही है, आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा कहीं चिंता सरकार को, केंद्र सरकार सरकार को है जो है। तो हमने आपको सिर्फ समझाने का प्रयास किया, बाकी आपको जो करना है आप ये स्वतंत्र कीजिए। आ गया समझ। वो तो है ही, जो सरकार चाहेगी, जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला था उसमें कोई नहीं कर सकता, वो जो सरकार चाहेगी वही सब होगा। आप बताइए जम्मू कश्मीर को वहां से 370 हटाने के लिए कितने लोगों ने मांग किया था? वही तो कह रहे हो, तो अपने आप वो तो मुझे भी मालूम है ये चीजें तो आप जानते हैं कि ये सरकार जो इस वक्त है, ये इनको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या जी, वो करना अपने है। अभी विपक्ष ही कोई चीज बोल देता है, मान लीजिए किसी दिन विपक्ष बोल दे कि इनकी मंशा तो हिंदू राष्ट्र बनाने की है, ये गलत सोच रहे हैं, तो बस एक पॉइंट वो केंद्र सरकार को दे दिए कि भैया तुमने बता दिया ना ये काम करना है, चलो अब हम करके दिखाएंगे। ये उस तरह की सरकार है कि इनके दिमाग में बस आने की जरूरत है कि कोई चीज करना है, अब वो पॉइंट कहीं से आया। तो ऑलरेडी ये इस पर काम कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं, तो ये तो कुल मिला के भैया जल्दी जल्दी होगा। बिल्कुल। और इसकी जो भी प्रक्रिया है, एनसीटी को करना है और केंद्र सरकार को करना है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, जो कुछ भी करना है, तो दिल्ली में करने से असर पड़ेगा, असर मीन्स मतलब थोड़ा सा हाईलाइट होगा, बस इतना होगा, या तो फिर ट्विटर वगैरह, तो ट्विटर पर ऑलरेडी चल रहा है, हाईलाइट तो हो ही चुका है। जी, वो तो हो ही चुका है। हाँ, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, कोई धरना प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ता, बस फर्क मैटर नहीं हाईलाइट पड़ता। होता है। शिक्षा मित्रों ने न जाने कितना धरना प्रदर्शन सही किया, सही है, वो जाने कितने मर गए, जाने कितना धरना प्रदर्शन किया, वैकेंसी के लिए भी जाना कितना होगा, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जो कुछ है धरना नहीं, वो प्रदर्शन से जो कुछ चाहेगी नहीं, वही करेगी। जी और होना भी यही चाहिए। अगर यूपी के अंदर 30 करोड़ जनता है, तो 30 करोड़ लोगों के अलग अलग मांग है, क्या सबका सुन करके करेंगे? पॉसिबल है? जी जी ना 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 140 करोड़ आबादी है, 142 करोड़ जी पूरे भारत, एक सौ जी चालीस एक सौ बयालीस करोड़ का सबका सुन करके चलेंगे तो होगा? कुछ नहीं होगा। जी तो हमेशा याद रखिए कि ठीक है, आपको जो लगता है वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करती है, जी उनको पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे करना है। जी वो इस जजमेंट जी, जब ये केस फाइनल हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तभी से जी इस काम में लग गए थे। और आप मात्र थोड़ा दिन धैर्य रखिए ना, देखिएगा जी चाहे कोई कुछ करे या ना करे, वो तो सरकार तो हाँ केंद्र करेगी। सरकार इसके लिए जो है आगे बढ़ चुकी है, वो काम कर रही है सारा। और जो भी अपडेट है वो हम ग्रुप में डालते रह रहे हैं, अध्यादेश जल्दी आने जा रहा है। चलिए ठीक, ठीक है, रखें फिर। नमस्कार भैया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।